हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो अपने न्यूमेरिकल जो हर रोज कम्युनिटी टैब पे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, उसके एक दिन बाद में सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो कल जो ये क्वेश्चन अपलोड किया था, इसका सोल्यूशन लेके आ गई हैं। शायद तक आपने कर लिया होगा, इतना कठिन नहीं था ये। फिर भी इसका सोल्यूशन अपने देखते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियोज को यार साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। कोई डाउट हो अदर भी तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अपने अपने पास पास क्वेश्चन क्वेश्चन है है कि एक कि एक महा महा में में घरेलू घरेलू का का विवरण विवरण निम्न निम्न प्रकार प्रकार है। एक है। एक नंबर नंबर पॉइंट है पॉइंट कि है कि 60 60 वाट वाट के के 5 5 बल्ब बल्ब प्रतिदिन प्रतिदिन ढाई ढाई 2.5 2.5 आवर्स आवर्स के के लिए लिए जलते जलते हैं हैं और और पावर पावर फैक्टर फैक्टर 0.9 0.9 है। है। ओके, लैंप लैंप जो जो है है अपने अपने पास पास ये ये 60 60 वाट वाट का का है, है, पांच पांच बल्ब बल्ब है है तो तो टोटल टोटल होगी होगी 300 300 वाट वाट पावर पावर कंजप्शन कंजप्शन प्रति प्रति घंटे घंटे की, की, और और 2.5 2.5 घंटे के घंटे लिए के लिए जलता जलता है है तो तो इसको इसको करते करते हैं, हैं, ये ये आएगा आएगा 750 750 वाट। वाट। ओके, ओके, तो तो अपने अपने को को शक्ति शक्ति पहले पहले ही ही ट्रू ट्रू पावर पावर एक्चुअल एक्चुअल पावर पावर अपने अपने को को पहले पहले से से ही ही दे दे रखी रखी है। है। तो तो पावर पावर फैक्टर फैक्टर का का उसके उसके साथ साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन डिवाइडेशन क्यों क्यों करना करना है? है? पहले पहले से से ही ही एनर्जी एनर्जी दे दे रखी रखी है। है। 60 60 वाट वाट है, है, पावर पावर फैक्टर फैक्टर 0.9 0.9 है। है। तो तो अपने अपने को को अपेरेंट अपेरेंट पावर पावर पूछे पूछे तो तो अपने अपने 0.9 0.9 से से डिवाइड डिवाइड कर कर देंगे देंगे तो तो अपने अपने पास पास अपेरेंट अपेरेंट पावर पावर आ आ जाएगी, जाएगी, आभासी आभासी शक्ति। शक्ति। ओके, ओके, 2.5 हॉर्स हॉर्स के के लिए लिए जलते जलते हैं। हैं। एक एक नंबर नंबर स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है अपना अपना ये। ये। दो दो नंबर नंबर स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है कि कि 40 40 वाट वाट के के 4 4 बल्ब, बल्ब, 40 40 वाट वाट के के 4 4 एलईडी एलईडी लैंप लैंप है, है, तो तो ये ये हो हो गया गया 160 160 वाट। वाट। ओके, ओके, तो तो ये ये प्रतिदिन प्रतिदिन 3 3 घंटे घंटे के के लिए लिए जलते जलते हैं हैं गुणा गुणा 3, 3, तो तो ये ये हो हो जाएगा जाएगा 480 480 वाट। वाट। इसी इसी के के अंदर अंदर अपने अपने को को पावर पावर फैक्टर फैक्टर दे दे रखा रखा है है विचलन विचलन करने करने के के लिए, लिए, लेकिन लेकिन पावर पावर फैक्टर फैक्टर अपने अपने पास पास वाट वाट में में शक्ति शक्ति है, है, अपेरेंट अपेरेंट पावर पावर है, है, एक्चुअल एक्चुअल पावर पावर है, है, तो तो अपने अपने इसको इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या या डिवाइडेशन डिवाइडेशन नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। फिर फिर अपने अपने पास पास तीसरी तीसरी कंडीशन कंडीशन है है कि कि 1.5 1.5 किलोवाट किलोवाट का का वाटर वाटर हीटर हीटर प्रतिदिन प्रतिदिन 2 घंटे2 घंटे के के लिए लिए जलता जलता है। है। 1.5 1.5 किलोवाट किलोवाट मतलब मतलब 1500 1500 वाट वाट का का हीटर हीटर है, है, वाटर वाटर हीटर हीटर है, है, गुणा गुणा 2 घंटे2 घंटे के के लिए लिए जलता जलता है, है, तो तो ये ये टोटल टोटल आ आ जाएगी जाएगी 3000 वाट।3000 वाट। ओके, ओके, 3000 वाट आ आ जाएगा जाएगा अपने अपने पास। पास। यहाँ यहाँ पे पे लिख लिख देते देते हैं हैं एक एक साथ साथ इनको इनको 3000 वाट।3000 वाट। उसके उसके बाद बाद में में आगे आगे क्या क्या कह कह रहा रहा है? है? चलता चलता है, है, यदि यदि प्रति प्रति यूनिट यूनिट एनर्जी एनर्जी की की कीमत कीमत 1.5 1.5 रुपए रुपए हो, हो, तो तो एक एक लीप लीप ईयर ईयर के के फरवरी फरवरी माह माह में में विद्युत विद्युत ऊर्जा ऊर्जा की की खपत खपत कितनी कितनी होगी? होगी? अपने अपने जो जो लीप लीप वर्ष वर्ष होता होता है, है, ये ये 4 साल4 साल में में एक एक बार बार आता आता है, है, और और जो जो अपने अपने पास पास लीप लीप सावधि सावधि होती होती है, है, ये ये 400 साल400 साल बाद बाद में में आती आती है। है। ओके, ओके, जनरल जनरल नॉलेज नॉलेज है है ये ये तो। तो। 400 साल400 साल बाद बाद आती आती है है लीप लीप जो जो सावधि सावधि होती होती है, है, लेकिन लेकिन अपने अपने पास पास अभी अभी लीप लीप ईयर ईयर है, है, लीप लीप ईयर ईयर 4 साल4 साल में में एक एक बार बार आता आता है। है। इसीलिए इसीलिए अपने अपने पास पास फरवरी फरवरी माह माह में में 29 29 डेज डेज होंगे। होंगे। इसको इसको टोटल टोटल पहले पहले सम सम करते करते हैं हैं तो तो 0 0 0 0 हो0 0 0 जाएगा। जाएगा। 8 8 और और 3 3 8 8 और और 5 5 13, 13, 1 1 बच बच गया, गया, 7 7 4 4 11 11 और और 1 1 12, 12, आंसर आंसर बची बची 1, एक, 4230 4230 वाट वाट आ आ जाएगा जाएगा अपने अपने पास। पास। वापिस वापिस कर कर देते देते हैं, हैं, 3000 वाट3000 वाट और और 700 700 3700 3700 और और 4230। 4230। ओके, ओके, 4230 4230 वाट वाट आ आ गया। गया। 4230 वाट घंटा आ गया अपने पास। ओके, ये ये वाट वाट हावर्स हावर्स है है क्योंकि क्योंकि अपने अपने जो जो टाइम टाइम है है उसके उसके साथ साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर कर दिया दिया है। है। 4230 वाट घंटे आ गए अपने पास, गुणा 29 डेज हैं तो 29 लीप जो ईयर रहेगा उसके अंदर फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे। ओके, 29 डे कर दिए तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बुक पे देखते हैं करके, 3029
ये अपने पास टोटल आया है 1 2 2 6 7 0। ओके, तो अपने इसको ये वाट घंटे की अपने सीधे इसके अंदर किलो वाट घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जीरो से जीरो निकल जाएगा, और यहाँ पर 100 है तो दो संख्या के बाद में जीरो लग जाएगा, यानी कि 122.67 अपने पास यूनिट है। बोर्ड ऑफ ट्रेड है, बीओडी, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड। एक यूनिट को बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, 1 1000 वाट घंटा भी कह सकते हैं, 1 किलो वाट भी कह सकते हैं, 861 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड को। ओके, 36 × 10 की पावर 5 जूल भी कह सकते हैं। तो जूल के अंदर क्या होता है, जो आई स्क्वायर आर टी होता है, टी जो होता है सेकंड के अंदर रहता है, इसीलिए। ओके, 122.67 आ गई यूनिट, 122 0.67, इसको अपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ। करो मल्टीप्लाई, आंसर मिल जाएगा आपको। वन ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सेवन गुणा 1.5 122.67 गुणा 1.5 तो 184.0 अपने को आंसर मिला है, ऑप्शन नंबर ए, 184.005 वाट, रुपीज, रुपए के अंदर। ये प्रतिशत तो वो कम्युनिटी टेप से कॉपी किया था, आ गया उसका, बाकी ये परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब रुपए के अंदर वैल्यू है। ओके, 184.005 रुपये आ गया है। ओके ओके दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो दोबारा आप पूछना, अदर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सॉल्यूशन करवाने की पूरा प्रयास रहेगा। ओके, इसको दोबारा देख लेते हैं। भी एक माह में घरेलू सप्लाई का विवरण निम्न प्रकार है, 60 वाट के 5 वाला है, 60 × 5 60 × 5, और यहाँ पर 2.5 घंटे के लिए जलते हैं, तो 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 750 अपने पास वाट नहीं है, वाट आवर चाहिए। ओके, यहाँ पर बताया था मैंने, और 0.9 पावर फैक्टर अपने को वाट में शक्ति दे रही है, इसका मतलब एक्चुअल पावर है, ट्रू पावर है। ओके, 750 वाट घंटा आ गया। यहाँ पर 40 वाट का दूसरी एलईडी है और 4 एलईडी है, तो 40 × 4 किए 160, और 3 घंटे के लिए जलती है, 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने को मिला 480 वाट आवर्स। ओके, तीसरी इसकी कंडीशन है, 1.5 किलोवाट का वाटर हीटर है, प्रतिदिन 2 घंटे चलता है, तो 1.5 किलोवाट इसका मतलब 1500 वाट का है, गुणा दो 3 जगह अपने पास वाट आ गया, वाट घंटा आ गया, यहाँ पर वाट आवर्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 4236 वाट आवर्स। तो इसका बताएं, कंडीशन है कि प्रति यूनिट एनर्जी की कीमत 1.5 रुपए हो तो एक लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब होता है बी, ये 4 साल में एक बार आता है, और लीप शताब्दी जो रहती है ये 400 सालों में एक बार आती है। ओके, तो लीप ईयर है तो इसके अंदर फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे, 29 डेज रहेंगे, तो 29 से मल्टीप्लाई किया, आपने को मिला टोटल 122.67 0। ओके, इसको 1000 से डिवाइड किया तो किलोवाट घंटा के अंदर आ गया, एक इतना यूनिट कह सकते हैं या बोर्ड ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करने से अपने को आंसर मिला 1.184.005 रुपीज। ओके ओके दोस्तों, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल को। किसी प्रकार का डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछना कमेंट बॉक्स में, अदर डाउट हो तो भी पूछना। वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, टेक केयर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।